हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोग प्रिज्म पढ़े थे और प्रिज्म फार्मूला के लिए डेरिवेशन किए थे। उसके बाद हमने कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम कराए थे और होमवर्क के लिए कुछ एमसीक्यू हमने दिया था। तो एमसीक्यू का आंसर्स देख लीजिए, यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया गया है। अब आज हम डिस्कस करेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप। तो व्हाट इज माइक्रोस्कोप, आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या है बच्चों? माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू गेट मैग्नीफाइड इमेज ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट। कोई छोटा ऑब्जेक्ट है, उसका हमको बड़ा इमेज देखना है। इसके लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का हम लोग यूज करते हैं, उसी को हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप। अब देखो बच्चों, एक चीज़ ध्यान दीजिए, यदि कोई ऑब्जेक्ट है वो नहीं दिखाई दे रहा है, मान लीजिए पेपर पर कोई लिखा हुआ है बहुत छोटा छोटा, वो हमको नहीं दिखाई देता है, तो हम क्या करते हैं? पहला प्रयास हमारा क्या होता है, यदि हमारे पास कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो पहला प्रयास हमारा वो ये होता है कि उस ऑब्जेक्ट को हम अपने आँख के नज़दीक करते हैं, अपने आई के नज़दीक हम करते हैं। तो आई के नज़दीक हम क्यों करते हैं? आई के नज़दीक करने से होता क्या है, क्या चीज़ चेंज होता है? यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को जो नहीं दिखाई दे रहा है उसको हम अपने आई के नज़दीक करने से होता क्या है, क्यों हम नज़दीक करते हैं? अब बताइए क्या चीज़ चेंज होता है। देखो मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये ए बी, और इसको धीरे धीरे हम अपने आई के नज़दीक हम कर रहे हैं, आई के नज़दीक हम कर रहे हैं, धीरे धीरे हम अपने आई के नज़दीक कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोई ना कुछ तो चेंज हो रहा है ज़रूर। यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है बच्चों? देखो ये एंगल चेंज हो रहा है, यहाँ पर ये एंगल, यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, ये एंगल यहाँ पर देखिए, ये जो एंगल, ये एंगल चेंज हो रहा है, और उस एंगल को क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ विजन। तो यदि कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे हमारे आई से जैसे जैसे दूर होता जा रहा है, एंगल ऑफ विजन, देखिए एंगल ऑफ विजन पहले इतना था, फिर ये एंगल ऑफ विजन हमारा घट रहा है, फिर एंगल ऑफ विजन घट रहा है, फिर एंगल ऑफ विजन और घट रहा है। तो कोई भी चीज़ जैसे जैसे दूर जाती है, आप देखते हैं कि एंगल ऑफ विजन घट रहा है, और ये एंगल ऑफ विजन यदि एक मिनट से भी कम हो जाए तो फिर वो ऑब्जेक्ट हमको नहीं दिखाई देती है। कोई भी ऑब्जेक्ट हमको कभी तभी तक दिखाई देगी जब तक कि एंगल ऑफ विजन हमारा वन मिनट का है। यदि ऑब्जेक्ट आई पर एक मिनट से भी कम एंगल बनाने लगे तो फिर हम नहीं देख पाएंगे। तो यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है तो हमारा प्रयास क्या होता है? हमारा प्रयास ये होता है कि एंगल ऑफ विजन हम बढ़ाएं। एंगल ऑफ विजन कैसे बढ़ाते हैं? उस ऑब्जेक्ट को हम आई के नज़दीक लाते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट को आई के नज़दीक रखने लाने की भी एक सीमा है, कितना सेंटीमीटर तक ला सकते हैं ये आपको मालूम है कि ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा नज़दीक आप नहीं ला सकते। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट है इसको 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा नज़दीक नहीं ला सकते हैं, और इसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल डी से भी। तो यदि ऑब्जेक्ट को, यदि मान लीजिए यही ऑब्जेक्ट है और इसको ये नहीं दिखाई दे रहा था, इसको धीरे धीरे अपने आई के पास लेके आए, और मिनिमम कहाँ तक ला सकते हैं भाई? 25 सेंटीमीटर तक लेके चले आए, फिर भी नहीं दिखाई दिया, तब क्या करेंगे? क्योंकि 25 सेंटीमीटर से तो नज़दीक नहीं रख सकते, इसके बाद नहीं दिखाई देगा तो हम कोई ना कोई एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे जो कि इसका बड़ा इमेज बना दे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। हम सिंपल माइक्रोस्कोप के विषय में पढ़ेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप हम सबसे पहले पढ़ेंगे। सिंपल माइक्रोस्कोप, जैसा कि इसका नाम है, ये बिल्कुल सिंपल होता है। इसमें केवल एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, इसको कन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। और इसका क्या काम है बच्चों, आप देख लीजिए, हमारे पास एक बुक है जिसमें बहुत छोटा छोटा एक लोगो बना हुआ है। देखिए ये लोगो बना हुआ है, हैंडबुक लिखा हुआ है, उसके बाद एक लोगो है, और लोगो के ऊपर क्या चीज़ है ये शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यदि हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करें, देखिए जैसे ये इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर दिए तो वो लोगो दिखने लगा, लोगो के ऊपर जो भी लिखा हुआ था स्वामी, देखिए क्लियर आपको दिखाई देने लगा। तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है? ये
ये जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको कि कन्वेक्स लेंस, ये कन्वेक्स लेंस है, सिंपल कन्वेक्स लेंस है, इसको मैग्नीफाइंग लेंस भी हम बोलते हैं, ये क्या किया, उस ऑब्जेक्ट का बड़ा इमेज बना दिया। कोई ऑब्जेक्ट है ए बी और उसका इमेज हमको फाइंड आउट करना है, तो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको हम आई के पास लेके आते हैं, आई के नज़दीक लेके आते हैं। क्यों आई के नज़दीक लेके आते हैं, ताकि एंगल ऑफ विजन बढ़ जाए। लेकिन मैक्सिमम कितना हम नज़दीक लेके आ सकते हैं, 25 सेंटीमीटर से तो ज़्यादा नहीं ला सकते। इस 25 सेंटीमीटर को हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, और ये ऑब्जेक्ट आई पर जो एंगल बनाया, दैट एंगल इज अल्फा। व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज द एंगल ऑफ विजन ऑफ ऑब्जेक्ट एट आई विदाउट अनएडेड इंस्ट्रूमेंट। लेकिन सपोज ये हम डी पर लेके चले आए, उसके बाद भी ये नहीं दिखाई दिया, तब क्या करेंगे। ये ऑब्जेक्ट ए बी को हम आई के नज़दीक लेके आए, कितना डिस्टेंस तक लेके आए, 25 सेंटीमीटर तक हम लेके आए, फिर भी ये नहीं दिखाई दिया, तब क्या करेंगे बच्चों। अब इसका हमको मैग्नीफाइड इमेज बनाना होगा। अब इसका मैग्नीफाइड इमेज बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम एक कन्वेक्स लेंस लेते हैं। हम एक कन्वेक्स लेंस ले लिए, सपोज दिस कन्वेक्स लेंस, और इस कन्वेक्स लेंस को कहाँ रखते हैं, कन्वेक्स लेंस को हम इसके फोकस के अंदर रखते हैं। कन्वेक्स लेंस को, इस ऑब्जेक्ट को कन्वेक्स लेंस के फोकस के अंदर रखते हैं। दिस इज ऑब्जेक्ट ए बी, ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है। अब इसका इमेज बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू ए पॉइंट, दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। फोकस से पास कर रहा है। दूसरा रे लेंगे, कहाँ से दूसरा रे लेंगे, जो कि लेंस के सेंटर से पास करे, जिसको कि ऑप्टिकल सेंटर हम बोल रहे हैं। अब ये देखो दोनों रे क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रहा है, तो कहीं मिलने का चांस नहीं है। अब इनको हम पीछे प्रोड्यूस करेंगे, दोनों रेज को हमने पीछे प्रोड्यूस किया, दोनों रेज को हमने पीछे प्रोड्यूस किया, तो पीछे प्रोड्यूस करने के बाद ये कहाँ मिला, दोनों रेज को यदि पीछे प्रोड्यूस कर दिए तो कहाँ मिला हमको, ये पॉइंट बी डैश पर मिल रहा है। तो मान लीजिए दिस ए डैश एंड बी डैश, और ये जो ऑब्जेक्ट आई पर जो एंगल बनाया, दैट एंगल इज नोन एज बीटा। ओके, तो ये देखो बच्चों, ये जो अल्फा एंगल जो बना हुआ है, दैट एंगल इज मेड बाय ऑब्जेक्ट एट द आई, और यहाँ पर जो इमेज एंगल बनाया आई, यहीं पर आपका आई होगा, लेंस के पास ही तो हम आई को रखेंगे, वो एंगल कितना है बच्चों, बीटा है। अब यहाँ पर हमको एक चीज़ देखना है, यहाँ पर एक टर्म आता है एंगुलर मैग्नीफिकेशन। एंगुलर मैग्नीफिकेशन का डिफिनेशन क्या है, इसको हम लिख दे रहे हैं, आप इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि एंगुलर मैग्नीफिकेशन ये पूछता है आपको। तो एंगुलर मैग्नीफिकेशन ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एंगल्स सबस्टेंडेड एट द आई बाय द फाइनल इमेज टू द एंगल सबस्टेंडेड एट द आई बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन बोथ फाइनल इमेज एंड द ऑब्जेक्ट आर सिचुएटेड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन फ्रॉम द आई। ओके, तो ये बीटा और अल्फा के बीच का जो रेशियो है, उसी को बोलते हैं हम एंगुलर मैग्नीफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक कंडीशन रखा है कि ये ऑब्जेक्ट और फाइनल इमेज दोनों कितने डिस्टेंस पर हों भाई, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन पर हों, ये चीज़ है। हमको निकालना क्या है, एंगुलर मैग्नीफिकेशन की जब हम बात कर रहे हैं, आप नोट कर लीजिए, ये फिगर बना हुआ है हमारा, हम पढ़ना चाह रहे हैं यहाँ पर एंगुलर मैग्नीफिकेशन। एंगुलर मैग्नीफिकेशन का आप डिफिनेशन लिख चुके हैं। अब देखो बच्चों, एंगुलर मैग्नीफिकेशन एम इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा, ये एंगल और ये एंगल, फाइनल इमेज आई पर कितना एंगल बनाया और ऑब्जेक्ट आई पर कितना एंगल बनाया, दिस रेशियो इज नोन एज एंगुलर मैग्नीफिकेशन। बीटा बाई अल्फा निकालना है, यदि बीटा और अल्फा बहुत छोटे हैं तो हम लिख सकते हैं एम इज इक्वल टू, बीटा को हम लिख सकते हैं टैन ऑफ बीटा, बीटा को हम लिख सकते हैं टैन ऑफ बीटा, और अल्फा को लिख सकते हैं टैन ऑफ अल्फा, ये इस ढंग से हम लिख सकते हैं। ओके, अब देखो बच्चों, टैन ऑफ अल्फा को क्या लिखिएगा, टैन ऑफ अल्फा इज व्हाट, टैन ऑफ अल्फा कैन बी रिटन एज, टैन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी बाई डी, टैन अल्फा को हम लिख सकते हैं ए बी बाई डी, और टैन बीटा को क्या आप लिख सकते हैं, टैन अल्फा को लिख सकते हैं ए बी बाई डी, और टैन बीटा को क्या लिखोगे बच्चों,
टैन बीटा को क्या लिखोगे? टैन बीटा को आप लिखेंगे, इस एंगल को लिख सकते हैं, दिस ए बी बाई, मान लीजिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस u है, ए बी बाई यू, ओके ये हो गया। हेंस हेंस m इज इक्वल टू, हेंस हेंस कैपिटल m इज इक्वल टू, कैपिटल m इज इक्वल टू टेन बीटा की जगह पर ए बी बाई यू, एम के जगह पर आप लिखेंगे ए बी बाई यू, और टेन अल्फा के जगह पर लिखेंगे ए बी बाई डी, तो एम इज इक्वल टू डी बाई यू, ये हम लिखेंगे, ये मैग्नीफाइंग पावर, ये इसको आप इक्वेशन वन लिख लीजिए, ओके। अब वन बाई यू की वैल्यू हमको निकालना होगा, व्हेन द फाइनल इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन, इसमें भी दो कंडीशन है, व्हेन फाइनल इमेज इज, व्हेन द फाइनल इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी फाइनल इमेज कितने डिस्टेंस पर है बच्चों? कैपिटल डी डिस्टेंस पर है। उस समय हमको क्या निकालना है? उस समय हमको एम इज इक्वल टू डी बाई ई, एम इज इक्वल टू डी बाई यू की वैल्यू है निकालना है। हम एम इज इक्वल टू डी बाई यू यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ पर इक्वेशन वन हम बना दिए, ओके। तो वन बाई यू की, वन बाई यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहाँ पर देख लीजिए, वी हैव वन अपान भी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ। भी क्या है? भी यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है? फाइनल इमेज डी डिस्टेंस पर, और चूंकि रे आ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं उसको हम माइनस लेते हैं, तो ये हो गया माइनस वन बाई डी, और ये यू हो गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ। डी से मल्टीप्लाई कर दीजिए हर एक टर्म में, तो हर एक टर्म में मल्टीप्लाई कर दिए तो माइनस वन प्लस डी बाई यू इज इक्वल टू डी बाई एफ, तो दिस इम्प्लाई डी बाई यू इज इक्वल टू वन प्लस डी बाई एफ, ये हो गया। तो डी बाई यू की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन वन, या फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, इसको इक्वेशन टू मान लीजिए, तो फ्रॉम वन एंड टू, वन और टू से एम की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? एम की वैल्यू आ गई वन प्लस डी बाई एफ। तो दिस इज मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्नीफिकेशन, व्हेन फाइनल इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ओके। तो दिस फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट कर लेंगे इस फार्मूले को, ठीक है। अब दूसरा चीज हम ये कह रहे हैं, व्हेन फाइनल इमेज इज, देखो बच्चों, व्हेन फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी, यदि हम फाइनल इमेज को इन्फिनिटी पर बना दें तब क्या होगा? यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, व्हेन व्हेन द फाइनल, सेकेंड केस हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, व्हेन फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी, फाइनल इमेज कहाँ चला गया? इन्फिनिटी पर चला गया। तो उस केस में इन्फिनिटी पर फाइनल इमेज कब होगा? जब इस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ फोकस पर रख दीजिए, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसको कहाँ लेके चले जाएंगे? इसको हम फोकस पर लेके चले आए, ए बी पर। अब देखो, जब फोकस पर लेकर चले आए, देन ये हमारा रे है, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आपको पता है आफ्टर रिफ्रेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, और दूसरा रे क्या लेंगे? दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से तो पास करेगा ही, दूसरा रे, दूसरा रे कहाँ से पास करेगा? दूसरा रे पास कर रहा है आपका ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है, दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है, और देखो ये फिर ये कभी ये पैरेलल हो रही है रे, ये कहीं मिलने का कोई चांस नहीं है इनको आगे, इसलिए पीछे हम प्रोड्यूस करते हैं, तो फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है बच्चों? इन्फिनिटी पर बन रहा है, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बन गया। थोड़ा रे डायग्राम आप अच्छे से बनाइएगा,
तो वेन फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी देन हम आप उसको ये फाइनल इमेज कहाँ बनने लगा बच्चों, इन्फिनिटी पर बन रहा है फाइनल इमेज। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया हमारा यू, ये अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया यू, और ये पॉइंट फोकस है, क्योंकि फोकस पर यदि ऑब्जेक्ट को रखेंगे तभी फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा। तो देन यू क्या हो गया, यहाँ यू तो एफ हो गया, यू एफ के बराबर हो गया। व्हेन फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी देन यू इज इक्वल टू एफ, हेंस एम इज इक्वल टू डी अपॉन एफ। तो मैग्नीफाइंग पावर व्हेन फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी, उसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, उस समय हम इसको लिख सकते हैं डी बाई एफ। व्हेन फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी, उस समय हम इसको लिख सकते हैं डी बाई एफ। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट द सिंपल माइक्रोस्कोप। ये सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया। अब देखिए बच्चों, हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या है, यहाँ सिंपल माइक्रोस्कोप में तो केवल एक ही लेंस था, कन्वेक्स लेंस था। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग मैग्नीफाइड इमेज ऑफ टीनी ऑब्जेक्ट्स। बहुत छोटा ऑब्जेक्ट्स है वो नहीं दिखाई दे रहा है, मान लीजिए सिंपल माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसका फाइनल इमेज हम लोग फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं दैट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, आप देख लीजिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो कन्वेक्स लेंस होते हैं। आप कंस्ट्रक्शन आप लिख लीजिए, ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ टू कन्वेक्स लेंसेस, वन ऑफ स्मॉलर फोकल लेंथ कॉल्ड ऑब्जेक्टिव एंड अनदर वन ऑफ लार्जर फोकल लेंथ कॉल्ड आई पीस। दिस टू कन्वेक्स लेंसेस आर फिटेड ऑन टू ट्यूब्स एट द एंड्स ऑफ द टू ट्यूब्स। ये मान लीजिए दो ट्यूब हैं हमारे, एक पर हम ऑब्जेक्टिव एक लेंस कन्वेक्स लेंस फिटेड है और दूसरे पर दूसरा लेंस फिटेड है, और वो इस ढंग से फिटेड है कि इनके बीच का डिस्टेंस हम इस ट्यूब के एक जो ट्यूब है दूसरे ट्यूब के अंदर आ जा सकता है। इसका मतलब द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेस दैट इज ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस कैन बी अरेंज्ड, एंड दिस अरेंजमेंट इज नोन एज रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट, ओके। तो ये जितना हम बोले हैं बच्चों, आप वीडियो को धीरे धीरे सुन करके आप लिख लीजिएगा। अब इसको हम दोबारा रिपीट नहीं हम करेंगे, इसी चीज़ को आप लिखिएगा। अब देखो, हमको कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ था, जैसे हम पहले फर्स्ट केस में डिस्कस किए थे, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, ये ऑब्जेक्ट ए बी है। आई पर कितना एंगल बनाया बच्चों, ये आई पर एंगल बनाया अल्फा। कितने डिस्टेंस पर हम रखे थे इसको, डी डिस्टेंस पर रखे थे, नहीं दिखाई दिया फिर भी। अब हम क्या करेंगे, हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप लेते हैं, दो लेंस हमारे इसके पास होता है, एक कन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ बहुत छोटा होता है। यहाँ पर देखिए दोनों लेंस जो है ना, ऑब्जेक्टिव और आईपीस दोनों का फोकल लेंथ छोटा होता है, लेकिन आईपीस का ऑब्जेक्टिव का आईपीस से भी छोटा होता है। ये है एक ट्यूब पर फिटेड है, मान लीजिए इसका फोकल लेंथ यही है एफ जीरो, ऑब्जेक्टिव इसको ऑब्जेक्टिव हम बोलते हैं, इस लेंस का क्या नाम है बच्चों, इसको हम ऑब्जेक्टिव बोलेंगे, और ऑब्जेक्ट को इस फोकस के थोड़ा बाहर हमको रखना पड़ेगा, बाहर हम रखेंगे, इसके अंदर रखेंगे तो इसके अंदर रख देंगे तो फिर इसका वर्चुअल इमेज बन जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट को फोकस के बाहर रखते हैं। अब इमेज कैसा बनता है बच्चों, एक इमेज हमारा है रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। दूसरा रे को कहाँ से आप पास कराएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं, और ये ए डैश बी डैश फाइनल इमेज हमारा बन गया। दिस इज ए डैश बी डैश, फाइनल इमेज नहीं है, ये इमेज बना। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव पर कितना एंगल बना रहा है, दिस एंगल इज अल्फा। अल्फा तो ये एंगल है, ये कुछ कोई और एंगल होगा, ये इसको नाम हम बाद में रखेंगे। अब सुनिए देखिए, एक तो ये जो लेंस है एक ट्यूब पर फिट था, दूसरा जो लेंस है हमारा जिसको कि हम आई पी सम बोलते थे, वो दूसरे ट्यूब पर फिट था, और उसको उस ट्यूब के चूँकि डिस्टेंस बिटवीन दिस ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस कैन बी अरेंज्ड, तो इसको हम इस ढंग से अरेंज करते हैं कि ये जो इमेज बना ऑब्जेक्टिव के वजह से जो इमेज बन रहा है इस लेंस के फोकल लेंथ के अंदर आ जाए, इस ढंग से आ जाए ये जो इमेज बना हुआ है।
अब रे दो रे लेंगे, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, थोड़ा फिगर आप अच्छे से बनाइएगा, ये हम आपको समझा रहे हैं। रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस ऑफ द लेंस। दूसरा रे कहाँ से जा रही है भाई, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा। ये दोनों तो कहीं मिलने वाले हैं नहीं, ये दोनों डाइवर्ज कर रहे हैं। यदि इनको हम पीछे की ओर प्रोड्यूस किए तो यहाँ पर देखिए फाइनल इमेज बन रहा है। यहाँ पर दिस a डबल डैश b डबल डैश एंड दिस b डबल डैश, दिस इज द फाइनल इमेज। और ये फाइनल इमेज कहाँ बना, इसको कहाँ पर बनाएंगे, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यहाँ पर हम बना दिए। व्हेन फाइनल इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और एंगुलर मैग्नीफिकेशन का डिफिनीशन जैसा हमने बताया था, मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्नीफिकेशन ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज द एंगुलर मैग्नीफिकेशन। किसको हम बोलते हैं बच्चों, एंगुलर मैग्नीफिकेशन जैसा हमने बताया कि फाइनल इमेज आई पर कितना एंगल बनाया, दिस इज बीटा। तो एंगुलर मैग्नीफिकेशन की जब हम बात करेंगे तो एम इज इक्वल टू व्हाट, दिस बीटा बाई अल्फा, इसी को हम एंगुलर मैग्नीफिकेशन बोलेंगे। एंगुलर मैग्नीफिकेशन आप लिख भी लीजिए, मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्नीफिकेशन ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सबस्टेंडेड एट द आई बाय द फाइनल इमेज टू द एंगल सबस्टेंडेड एट द आई बाय द ऑब्जेक्ट्स व्हेन बोथ द फाइनल इमेज एंड द ऑब्जेक्ट्स आर सिचुएटेड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फ्रॉम द आई। लीस्ट डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, ये भी लीस्ट डिस्टेंस पर है और फाइनल इमेज भी लीस्ट डिस्टेंस पर है। ये एम इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा, ये हमको निकालना है। आप हेडिंग डाल लीजिए एंगुलर मैग्नीफिकेशन। और जो अभी हम बोले हैं इसका डिफिनीशन भी लिख लीजिए। एंगुलर मैग्नीफिकेशन मैंने बताया और मैंने बोला रेशियो ऑफ फाइनल इमेज सबस्टेंडेड एट द आई एंड द ऑब्जेक्ट द एंगल सबस्टेंडेड बाई द ऑब्जेक्ट एट द आई, दिस रेशियो इज नोन एज एंगुलर मैग्नीफिकेशन एंड द ऑब्जेक्ट एंड द फाइनल इमेज शुड बी एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन। तो दिस एम इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा, इस रेशियो को ही हम बोलते हैं क्या, मैग्नीफाइंग पावर। इसी रेशियो को हम बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर, एम इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा। अब देखो बच्चों, बीटा को क्या आप लिख सकते हो, बीटा को आप यहाँ पर लिख सकते हो ए डैश बी डैश अपान यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है यू, ये यू है, यू ई हम बोल रहे हैं। इसको आप आई पीस लिखिएगा, यहाँ पर जो है ना इसको आप आई पीस लिखेंगे, आई पीस पी आई ई, ये हो गया आई पीस। ऑब्जेक्ट और आई पीस के बीच का जो डिस्टेंस है इसको यू ई से हम डिनोट करते हैं। ओके तो हमको एम चाहिए, एम इजिकल टू बीटा ई बाई अल्फा। बीटा को आप लिखेंगे क्या, टैन ऑफ बीटा, और अल्फा को क्या लिखेंगे, टैन ऑफ अल्फा। नाउ आफ्टर दैट यू कैन राइट हियर एम इज इक्वल टू टैन बीटा को क्या लिखोगे बच्चों, टैन बीटा को आप लिख लीजिए ए डैश बी डैश अपान ए डैश बी डैश अपान यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है यू ई हम बोलेंगे, अपान टेन अल्फा का जो डिस्टेंस है ए बी बाई डी हम बोलेंगे। तो दिस एम इज इक्वल टू व्हाट, एम इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपान ए बी, दिस इज इक्वल टू डी अपान यू ई। अब देखो ए डैश बी डैश अपान ए बी इज इक्वल टू व्हाट, ऑब्जेक्टिव के वजह से जो इमेज बना वो कितने डिस्टेंस पर बना हुआ है बच्चों, मान लीजिए कि वी जीरो पर बना हुआ है। व्हाट इज वी जीरो, वी जीरो इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज ए डैश बी डैश फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर है इसको हम यू नॉट बोल रहे हैं। व्हाट इज यू नॉट, यू नॉट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। तो एम इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो यदि हमारा ट्रेंगल ए, हम यहाँ पर इसको P लिखें तो ट्रेंगल ए पी बी इज कंग्रुएंट टू ट्रेंगल ए डैश पी बी डैश, सिमिलर ट्रेंगल ए डैश पी बी डैश इज सिमिलर टू ट्रेंगल ए पी बी, ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर हैं। जब सिमिलर हैं तो ए डैश बी डैश अपान ए बी इज इक्वल टू दिस ओ ए डैश अपान ओ ए, ओ ए डैश की वैल्यू वी नॉट है और ओ ए की वैल्यू यू नॉट है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वी नॉट अपान यू नॉट डी अपान यू ई, वी नॉट चूंकि राइट साइड में है तो इसलिए प्लस लिखेंगे, जो रे जा रही है उसी के डायरेक्शन में है इसलिए हम इसको प्लस लिखेंगे,
और u नॉट रे के अपोजिट डायरेक्शन का जो डिस्टेंस है उसको हम माइनस लिखेंगे, इसलिए ये वैल्यू हो गया हमारा ये माइनस। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन हियर, यू कैन नोट इट डाउन। नाउ व्हेन फाइनल इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस, अभी आप लिखिए व्हेन फाइनल इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस, यहीं पर हम लिखवा दे रहे हैं आपको, या इस पूरी चीज़ को आप यहाँ नोट कर लीजिए, एम इज इक्वल टू माइनस वी नॉट अपान यू नॉट डी अपान यू ई। अब देखो बच्चों, व्हेन फाइनल इमेज इज, और इक्वेशन यहाँ पर इसको वन कर दीजिए, व्हेन फाइनल इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, फाइनल इमेज कहाँ पर है आप लिखिए, व्हेन द फाइनल इमेज इज, ये जो पूरा का पूरा फिगर बना है किसके लिए है, व्हेन द फाइनल इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन, ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन, तब के लिए है ये। उस केस में यहाँ पर आप आ जाइए, वी हैव आपको मालूम है वन अपान वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ, इसके फोकल लेंथ को हम एफ ही बोलेंगे, दैट इज फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस, इसके फोकल लेंथ को एफ नॉट बोलेंगे, दैट इज फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो एफ नॉट होगा। अब यहाँ पर देखो वी कहाँ पर, कितने डिस्टेंस पर है, डी डिस्टेंस पर, तो माइनस वन अपान डी, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यू ई इज इक्वल टू वन अपान एफ ई। अब डी बाई यू हमको चाहिए, डी से हर एक टर्म में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस वन प्लस डी बाई यू ई इज इक्वल टू वन अपान एफ ई। तो यहाँ पर दिस इम्प्लाइज डी अपान यू ई इज इक्वल टू वन प्लस, ये डी से हम मल्टीप्लाई किए हैं, यहाँ पर डी होगा, तो डी अपान यू ई इज इक्वल टू वन प्लस डी अपान एफ ई। ये डी अपान यू ई की वैल्यू वहाँ इक्वेशन टू में पुटअप कर दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी बाई यू ई इन वन, तो हेंस फ्रॉम वन एंड टू वन और टू से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर एम इज इक्वल टू आप लिखेंगे माइनस वी नॉट अपान यू नॉट, और डी बाई यू ई के जगह पर वन प्लस डी अपान एफ ई। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द रिलेशन फॉर एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर व्हेन फाइनल इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर एम इज इक्वल टू आ गया क्या, माइनस वी नॉट अपान यू नॉट वन प्लस डी अपान एफ ई। और एक चीज़ और ध्यान दो बच्चों, यदि बहुत सारे लेंस दिए हुए हैं, कन्वेक्स लेंस दिए हुए हैं, एक तो टोटल मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, एंगुलर मैग्नीफिकेशन क्या होगा, मान लीजिए इसका मैग्नीफिकेशन 2 है, इसका मैग्नीफिकेशन 3 है, तो एंगुलर मैग्नीफिकेशन दोनों के कम्बिनेशन का क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 नहीं होगा, ये क्या होता है 2 इंटू 3 होता है। तो एक का एंगुलर मैग्नीफिकेशन m1 है, दूसरे का m2 है, तीसरे का m3 है, तो टोटल एंगुलर मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू m1 इंटू m2 इंटू m3, ये इस ढंग से होता है। तो इसका हम लोग इसका मैग्नीफाइंग पावर हम a' b' / ab हम निकाल चुके थे, ये पहले लेंस का मैग्नीफाइंग पावर था, दूसरे लेंस का मैग्नीफाइंग पावर ये हम पढ़ चुके हैं, ये भी व्हेन फाइनल इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर भी ये हमको आ गया। ओके, तो अब सुनिए एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, यदि इस ए बी ऑब्जेक्ट को हम बिल्कुल एफ नॉट के करीब लेके जाए, इफ ये जो यू नॉट है इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ नॉट, पूरा एफ नॉट नहीं होगा, क्योंकि यदि इसको बिल्कुल ऑब्जेक्ट फोकस पर रख देंगे तब तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनने लगेगा, तो हमको ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ नॉट के करीब रखना है। तो अब जैसे जैसे देखो, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ये फोकस की ओर जाता है ना, ये इमेज भी दूर होते चला जाता है, तो यानी ये ऑब्जेक्ट यदि फोकस की ओर जा रहा है तो इसका इमेज आई पीस की ओर जाएगा, तो उस केस में हम वी नॉट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, मान लीजिए लेंथ ऑफ द दोनों ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच का लेंथ कितना है, एल है, कैपिटल एल है, सपोज दोनों के बीच का लेंथ क्या है, कैपिटल एल है, तो वी नॉट किसके बराबर हो जाएगा, एल नॉट के बराबर हो जाएगा, एल के बराबर हो जाएगा, हेंस कैपिटल एम इज इक्वल टू आप लिखेंगे वी नॉट के जगह पर आप लिखेंगे एल,
अपन यू नॉट के जगह पर लिखेंगे एफ नॉट वन प्लस डी अपान एफ ही। तो ये इक्वेशन हो गया बच्चों, ये रिलेशन हो गया, ठीक है ना। हाँ, माइनस एल अपान एफ नॉट वन प्लस डी अपान एफ ही। ये कब के लिए है? व्हेन फाइनल इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ओके, अब देखिए, व्हेन फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी, व्हेन फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी, देन व्हेन फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी, ये हम यहाँ पर ये लिख रहे हैं। सेकेंड केस आप डिस्कस कर लीजिए यहाँ पर, व्हेन फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी। अब इस केस को हम डिस्कस कर रहे हैं इन्फिनिटी के लिए। तो इन्फिनिटी पर कब होगा? जब हमारा यू नॉट, अब इसके लिए फिगर अलग बनाइएगा, व्हेन फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी का फिगर अलग बनाइएगा। इस ऑब्जेक्ट को कहाँ आप लेके जाएंगे? इस ऑब्जेक्ट को लेके आप चले जाएंगे इसके फोकस पर, ऑब्जेक्ट को लेके चले गए आप फोकस पर। इस ढंग से हम इसी को हम इस ढंग से अरेंज करते हैं, देखो बच्चों ये, और चूंकि डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस कैन बी अरेंज, तो ये ट्यूब को, ये चूंकि ट्यूब में फिटेड है, इसको इस आईपीस को थोड़ा सा और हम पीछे लेके जाएंगे। तो आईपीस को हम पीछे लेकर के जा रहे हैं, आईपीस को जब हम पीछे लेकर के और थोड़ा चले गए, तो इमेज ये कहाँ पर लेकर चले गए? इसके फोकस पर लेकर चले गए, एफ नॉट पर। कहाँ लेकर चले गए? फोकस पर, यानी यू ई और एफ ई दोनों सेम हो गया। पहले यहाँ पर था ना ये ऑब्जेक्ट, ये ए डैश बी डैश पहले यहाँ पर था, अब धीरे 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 इसको पीछे लेके गए, पीछे लेके गए और कहाँ तक लेके चले गए? इसके फोकस तक लेके चले गए। तो जब फोकस पर लेके चले जाएंगे, जो जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा तो इमेज कहाँ बनेगा? तब तो इमेज इन्फिनिटी पर बनता है। तब इमेज कहाँ बनेगा बच्चों? तब तो इमेज, इसका इमेज कहाँ बनेगा? फाइनल इमेज, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा। दोनों रे पैरल तो कभी मीट करेंगे नहीं, इसके लिए इसको यदि हम पीछे की ओर प्रोड्यूस्ड करते हैं तो फाइनल इमेज कहाँ बनता है? एट इन्फिनिटी। आप अलग से बनाइएगा इसका फिगर, हमको चूंकि उसी में अरेंज करना था तो हम थोड़ा उसी में हम अरेंज करने की कोशिश की है। तो एट इन्फिनिटी कब बनेगा? जब हमारा यू ई किसके बराबर हो जाए? एफ ई के बराबर हो जाए। हेंस एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस वी नॉट अपान यू नॉट डी अपान यू ई के जगह पर हम लिखेंगे एफ ई। और फिर कंडीशन आप लगा लीजिए, व्हेन यू नॉट को आप कहाँ रख रहे हैं? व्हेन यू नॉट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ नॉट, इस यू नॉट, इस सब्जेक्ट को एफ नॉट के नज़दीक रखेंगे तो वी नॉट कितना हो जाएगा? वी नॉट कहाँ पर चला जाएगा? ये यहाँ पर चला जा रहा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? एल है, ये एल अलग है। तो एम इज इक्वल टू हेंस एम इज इक्वल टू, ये आई पीस है बच्चों, यहाँ पर जब भी आप लिखिएगा ना तो आई पीस लिखिएगा, क्योंकि हम लोग मास काटते हैं, यदि बच्चे ऑब्जेक्टिव और आई पीस नहीं लिखते हैं तब भी हम लोग मास काटते हैं। तो दिस एम इज इक्वल टू वी नॉट, वी नॉट के लिए हम एल लिख रहे हैं माइनस एल, यू नॉट के लिए हम लोग एफ नॉट लिख रहे हैं, वन प्लस डी अपा, वन तो नहीं रहेगा ना, ये डी वन कहाँ रहा है? ये वी नॉट एल, यू नॉट के जगह पर एफ नॉट डी डी अपान एफ ई। तो ये मैग्नीफाइंग पावर हो गया। व्हेन फाइनल इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस, सॉरी व्हेन फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी, देन मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्नीफिकेशन एम इज इक्वल टू माइनस एल अपान एफ नॉट डी अपान एफ ई। तो ये रहा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के विषय में। अब देखो बच्चों, कुछ न्यूमेरिकल्स आप लिख लीजिए, लिखिए न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल्स को हम डिस्प्ले कर दे रहे हैं। अब तो सोल्यूशन आप देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। फोकल लेंथ आप ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है एफ नॉट, कितना 4 सेंटीमीटर है शायद 4 सेंटीमीटर, और आई पीस का फोकल लेंथ एफ ई, दिस इज गिवन 10 सेंटीमीटर। ओके, अब ये दे दिया आपको, एफ जीरो दिया है और ये दिया हुआ है। अब मैग्नीफाइंग पावर आपको निकालना है, तो मैग्नीफाइंग पावर अभी हम देखे हुए हैं,
मैग्नीफाइंग पावर के लिए हमारे पास फार्मूला क्या था? और केवल फार्मूला से पहले तो आप ये देखिए, जब हमको एफ नॉट दिया हुआ है तो वी नॉट निकाल लीजिए। ये लेंस था ना, ये देखो बच्चों, ये लेंस था हमारे पास, ये फोकस फोकल लेंथ है और ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा हुआ है, इसका फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर है, इसका फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर है, तो इसका इमेज कितना कहाँ बढ़ेगा? 1/v - 1/u = 1/f0। ये ऑब्जेक्टिव के वजह से 1/v, ये पूछ रहा है, वी नॉट कहिएगा उसको। यू क्या है? ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है ऑब्जेक्ट को रखे हुए हैं 10 सेंटीमीटर पर, और चूंकि रे के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस है तो इसको माइनस हम लिखेंगे, -1/t। सॉरी, ये वी नॉट तो फाइंड आउट करना है ना, इसका इमेज तो इस साइड में बनेगा, इसका इमेज तो इस साइड में बनेगा, तो 1/v0। ऑब्जेक्ट को कितना डिस्टेंस पर रखे हुए हैं? 10 सेंटीमीटर पर, तो --1/10 हो गया, ये माइनस साइन, और रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस लिखेंगे उसको हम माइनस लेंगे, तो ये -+ हो गया। f0 क्या है? 4 है, तो 1/v0 = 1/4 - 1/10, तो दिस इज इक्वल टू 1/v0 = नाउ दिस, ये हो गया आपका 50 हो गया, नहीं 50 से भी तो नहीं कैंसिल आउट होगा, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ये 20/3 आ रहा है, ये 20 हो जाएगा, ये 5 हो गया -2, दैट इज 3/20, तो v0 = 20/3, ये v0 हमारे पास आ गया। u0 दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है बच्चों? 10 सेंटीमीटर पर दिया हुआ है, दिस इज गिवेन u0, दैट इज 10 सेंटीमीटर पर दिया हुआ है, v0 भी हमको आ गया, u0 भी आ गया, d भी दिया हुआ है। मैग्नीफाइंग पावर के लिए हमारे पास फार्मूला क्या था? m = -v0/u0 1+d/fe, ये दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, वैल्यू आप पुटअप करो बच्चों। v0 m = -20/3, u0 10, 1+d के जगह पर 25, और fe के जगह पर fe कितना है? 10 है, तो इसको सॉल्व कर देंगे, m = ये कैंसिल आउट हो गया, -2/3, ये 3.5 हो गया, ये तो m = -7/3, तो ये वैल्यू हो गया 2.33। दिस विल बी द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप। निगेटिव साइन ये शो कर रहा है यहाँ पर कि जो फाइनल इमेज है, जो भी फाइनल इमेज बन रहा है वो इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब देखो बच्चों, फोकल लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दूसरा क्या कह रहा है? कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये दिया हुआ था यहाँ पर, ये फाइनल इमेज हमारा यहाँ बना, यहाँ पर कहीं a'b', ये हमारा लेंस है, ये UE है हमारा, यही है ना, ये UE हमको फाइंड आउट करना होगा। अब लिस्ट डिस्टेंस के लिए आप देखिए, 1/v - 1/u = 1/fe, अब इसके विषय में हम बात कर रहे हैं, यहाँ से जो इमेज बन रहा है फाइनल इमेज कहाँ पर बनना है? फाइनल इमेज को बनाना है हमको एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन को। देखो जो भी हम डायग्राम न्यूमेरिकल्स भी कर रहे हैं ना, तो डायग्राम बना कर रहे हैं ताकि कहीं से कोई दिक्कत ना होने पाए। ये डिस्टेंस है डी है, तो ये 1/v कितना होगा? इधर के डिस्टेंस को हम माइनस लिखेंगे, -1/d, 1/ue, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ue, डेरिवेशन में भी हम कराए हुए हैं, = 1/fe, 1/fe दिया है कितना? ये 10 दिया हुआ है, कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ को तो 10 ही हमको लेना पड़ेगा, ये 25 सेंटीमीटर है, तो 1/ue = इसको इधर भेज दीजिए, 1/d + 1/10, तो 1/25 + 1/10, इसको सॉल्व कर देंगे आप, ये ue है, 1/, इसको आप सॉल्व करिए, तो सॉल्व करने के बाद ये आ जाता है 50/7 सेंटीमीटर, इसको आप सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 50 हो गया, और 2 हो गया, 5 हो गया, दैट इज 7/50, इट मीन्स UE = 50/7 सेंटीमीटर, तो ये हमको डिस्टेंस मिल गया। और ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये क्या है? इसको हम वी नॉट बोलेंगे,
मतलब इमेज कहाँ बना है, ऑब्जेक्टिव के वजह से तो इमेज ए डैश बी डैश जितने डिस्टेंस पर बनेगा उसी को हम वी नॉट बोलेंगे। तो पूरा लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप कितना हो गया, ये वी नॉट प्लस यू ई, ये इसको आप नोट कर लीजिएगा। हेंस द लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप एल कितना हो गया, ये वी नॉट दिया हुआ था जो पहले हम निकाल चुके थे 20/3 आया था, और अभी 50/3 आ गया, 50/7 आ गया, 50/7 आ गया। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 20/3 प्लस 50/7 तो दैट इज 13.81 सेंटीमीटर, दिस विल बी द लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप। ओके ठीक है, अपनी इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, एक क्वेश्चन और हम बता दे रहे हैं आपको, क्वेश्चन डिस्प्लेड है, आप देखिए। क्वेश्चन कह रहा है ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप विथ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ एंड एन आईपीस ऑफ 2 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हैज एन ट्यूब लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इफ द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द नियर पॉइंट ऑफ द लेंस। इसमें फाइनल पॉइंट को नियर पॉइंट, इसका मतलब नियर पॉइंट कहने का मतलब एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन। तो इसके लिए हम फार्मूला लिखे थे ना, एम इजिकल टू हम फाइंड आउट किए थे, वी नॉट को हम एल लिखे थे, यू नॉट को हम एफ नॉट लिखे थे, 1 + d/FE, हर एक चीज दिया हुआ है। लेंथ दिया हुआ है यहाँ पर, कितना लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ 1 दिया हुआ है, ये 25 हो गया, और आईपीस का फोकल लेंथ दिया हुआ है, आईपीस का फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर। ओके 2 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट इट -270, तो ये हो गया इसका मैग्नीफाइंग पावर। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए ये -20 आ गया इनटू 27 अपॉन 2 हो गया, तो ये 10 हो जाएगा, तो दैट इज -20/17। तो इस ढंग से बच्चों दोनों न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम भी हम बना दिए आपको। अब कुछ क्वेश्चन डिस्प्ले कर दे रहे हैं होमवर्क के लिए, उसको आप देख लीजिए। ओके होमवर्क के लिए क्वेश्चन डिस्प्लेड है, आप देख लीजिए। ओके थैंक यू।